एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद मुरादाबाद के ब्लॉक मुंडा पांडे में स्थित ग्राम अक्का पांडे भोजपुर पहुंचा। लगभग 2500 की आबादी वाला यह गांव जिला मुख्यालय से 18 किलोमीटर दूर तो वही ब्लॉक से इस गांव की दूरी 5 किलोमीटर है। वर्तमान में गांव के प्रधान अरविंद कुमार हैं। वर्तमान प्रधान ने गाँव में विकास कार्य बेहतर तरीके से कराए हैं। लगभग 1500 वोटर वाला यह गाँव विकास के पथ पर अग्रसित है। वही बात अगर हम शिक्षा के स्तर की करें तो प्राइमरी विद्यालय में 120 बच्चे शिक्षा ग्रहण करते दिखाई दिए, जो शिक्षा की बदहाल स्थिति को बयां करने के लिए काफी है। वहीं बात अगर ग्राम प्रधान द्वारा कराए गए विकास कार्यों की जाए तो ग्राम निधि से 2 CC टाइल्स रोड, स्कूल में भराव कार्य, लगभग 100 शौचालय का निर्माण कराया जा चुका है। वहीं कुछ सड़कों व शौचालयों का कार्य निर्माणाधीन है। वहीं प्रधान द्वारा पेयजल व्यवस्था सुधारने के लिए गाँव में 11 हैंडपंप तथा विद्युत आपूर्ति के लिए 150 विद्युत पोल व 1 विद्युत ट्रांसफार्मर भी लगवाए गए। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने गांव में 80 विद्युत पोल, जूनियर हाई स्कूल, पंचायत घर, बारात घर, स्वास्थ्य केंद्र एवं जल निकासी के लिए नाले के निर्माण की तथा संसान के निर्माण की केंद्र में राज्य सरकार से मांग की है, जिससे गांव की दशा सुधर सके। मैं अक्का पांडे भोजपुर का रहने वाला हूँ। वर्तमान में ग्राम प्रधान, मेरा नाम अरविंद कुमार यादव, ब्लॉक मेरा मुंडा पांडे पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट मेरे गाँव में एक मुंडा पांडे ब्लॉक में एक गांव और है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा उस गांव का, और उससे हमसे कम राशि किसी भी गांव को नहीं मिलती, किसी भी ग्राम सभा में सबसे छोटी सबसे कम पूंजी हमारे हमारी ग्राम सभा में आती है। काम रास्ते बहुत लंबे, खादर का गांव है, इंटीरियर का गांव है, जिसकी वजह से हम पूरा काम नहीं करा पाते। आज भी गाँव इतना पीछे है, लोग बात कहते हैं हमसे कि प्रधान जी ये काम नहीं करा रहे, प्रधान जी वो काम नहीं करा रहे, लेकिन डिमांड के अनुसार पैसे नहीं मिल पाते। पहले कुछ मनरेगा का पैसा आता था, कुछ मनरेगा से करा देते रास्ते, कुछ पैसे करा देते, लेकिन अब तो मनरेगा का पैसा भी आना बंद हो गया। मजदूरों से काम करा लेते हैं, मजदूर घर चक्कर काटते रहते हैं, प्रधान जी हमारा पेमेंट क्यों नहीं आया, प्रधान जी हमारा पेमेंट क्यों नहीं आया, जबकि प्रधान का कोई लेना देना नहीं इस चीज़ से। हम मस्टॉल भर के दे देते हैं, सरकारी जमा कर देते हैं। और रही डिमांड की बात, डिमांड की तो हमें गाँव के लिए न तो गाँव में कोई ना आज तक कोई विधायक जी ने कुछ कराया, और गाँव में हमारे ना तो कोई शमशान घाट है, ना ही जूनियर हाई स्कूल है। गांव से 6 किलोमीटर दूर जूनियर हाई स्कूल पड़ता है, जहां बच्चे पढ़ने जाते हैं, लड़कियां ही बहुत जाती हैं पढ़ने के लिए, वो बेचारी रास्ता भी इंटीरियर का है, बीच में कोई गांव भी नहीं है, इसलिए लड़की भी जाते जाते बेचारी घबराती हैं, डरती हैं, उन्हें कोई ना कोई छोड़ने जाता है घर का परिवार का, तब उन्हें ले जाता है लड़कियों को। और ना जूनियर हाई स्कूल है, प्राइमरी स्कूल बिल्कुल इतनी जर्जर स्थिति में खड़ा है। अधिकारियों के कई बार गए अधिकारियों के पास, डीएम साहब को भी दिखाया, डीएम साहब से भी कहा, कई बार लिखित में दिया, उसकी फोटोकॉपी भी हमने करा रखी है कि सब कागजों की जहाँ जहाँ लिया, विभागीय अफसरों से भी कहा, लेकिन कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। मैं अक्का पांडे भोजपुर का रहने वाला हूँ, और अक्का पांडे भोजपुर की स्थिति ये है कि गाँव में से निकलने के लिए नाले, बड़े नाले जो होते हैं, वो एक भी नाला नहीं है।